हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। और यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे, आज का हमने टॉपिक दिया था भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति और विस्तार से रिलेटेड बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लेट हो चुका है, इसमें कुछ सेटिंग गड़बड़ हो चुकी थी, हो ही नहीं रहा था। चलिए भाई, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास मिल चुकी होगी। नहीं मिली तो एक बार जल्दी से वीडियो को फटाफट से शेयर करेंगे, जिससे कि सभी तक पहुंच सके। सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को फटाफट से शेयर करेंगे। थोड़ा सा लेट हो चुका है। हाँ, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। करंट की क्लास मॉर्निंग 9 बजे, कल आपको मिलेगी मंथली, पीछे पीछे की चलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं गया है और ना ही जा रहा है। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, कुल आबादी में जनजाति आबादी का अधिकतम प्रतिशत कहाँ पर है? देखिए ध्यान से आप लोग, हमने बोला हाँ सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी जूनियर सुपर सभी के लिए। नोटिफिकेशन एकदम से नहीं आता, कब आ रहा है नोटिफिकेशन? चलिए कोई बात नहीं, हम लोग नोटिफिकेशन के मोहताज नहीं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, कुल आबादी में जनजाति आबादी का अधिकतम प्रतिशत कहाँ है? कुल आबादी में जनजाति आबादी का अधिकतम प्रतिशत कहाँ पर है आपको बताना है, विकल्प आपका कौन सा सही होगा। फटाफट से आप लोग बताते रहिएगा। यहाँ पे देखिए नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, विकल्प कौन सा सही होगा? कुल आबादी में जनजाति आबादी का अधिकतम प्रतिशत कहाँ है, विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा, आप लोग फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, जिससे कि हम क्लास को जल्दी से कवर कर सके। एकदम से जोरदार तरीके से क्लास को बनाना है बिना नोटिफिकेशन के भी। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, नागालैंड। ऑप्शन ए हमारा सही होता है, नागालैंड है। ऑप्शन ए नागालैंड इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए नागालैंड है। अच्छा, नागालैंड में जो जनजाति आबादी के प्रतिशत की अगर हम बात करते हैं, नागालैंड में 86.5% है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश की है 68.8% है, और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं 30.6% है, और झारखंड की है 26.2%। तो सबसे ज्यादा इधर नागालैंड आता है, फिर ये देखिए विकल्प के अकॉर्डिंग दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। दूसरे नंबर पर कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। अगला है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, ऑप्शन कौन सा सही होगा? चलिए विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी 8° 4' उत्तरी अक्षांश पर है। लेकिन अगर भारतीय गणराज्य का दक्षिणतम बिंदु हम कहेंगे तो ये कहां पर है? इंदिरा पॉइंट, और ये अंडमान निकोबार में स्थित है, जो कि लगभग 6° 45' उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु कौन सा है? सभी स्टूडेंट फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु कौन सा है? विकल्प कौन सा सही होगा? भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु है, ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी सही होता है, 37 डिग्री 6' उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु 37 डिग्री 6' उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होता है।
अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आता है। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित। भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित लगभग आपका हाँ कई क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, भारत संसार का 7वां बड़ा देश है। इसके अंतर्गत संसार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग आता है? भारत संसार का 7वां बड़ा देश है, इसके अंतर्गत संसार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग आता है? विकल्प कौन सा सही होगा? फटाफट से आप लोग रिप्लाई करेंगे। भारत संसार का 7वां बड़ा देश है, इसके अंतर्गत संसार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग आता है? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? चलिए फटाफट से, हम जैसे क्वेश्चन देते हैं आप लोग तुरंत रिप्लाई करेंगे तो हम ये समझ जाएंगे। जैसे एक पहली रिप्लाई आएगी हम आगे की तरफ तुरंत बढ़ चलेंगे। बस एक रिप्लाई आने की देरी है। उत्तर यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? उत्तर सही हो जाता ऑप्शन ए 2.4%। ऑप्शन ए सही होता 2.4%। भारत संसार का 7वां बड़ा देश है, ठीक है, इसके अंतर्गत संसार का कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग आता है। और भारत से 6 बड़े देश हैं। भारत से 6 बड़े देश हैं कौन कौन से आपको बताते चलते हैं। रूस है, कनाडा है, चीन है, यूएसए है, 5वें नंबर पर ब्राजील, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक बार जल्दी जल्दी से कौन सी आवाज आ रही है? वीडियो नहीं चल रही है क्या? वीडियो रुक गई? चल रहा है मैम। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है कौन सा है? भारत का एक राज्य जिससे होकर के अच्छा झींगुर किया हुआ, झींगुर तो यहां बोल भी नहीं रहा है, पता नहीं क्या है। भारत का एक राज्य जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है कौन सा है? जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है। विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? भारत का एक राज्य जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है कौन सा है? जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी सही हो जाता है, झारखंड है। तो आपको बताते चलते हैं, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें देखिए झारखंड के अलावा 7 राज्य तब बचते हैं, झारखंड तो हो ही गया। फिर उसके बाद आपका है गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, और एक कौन सा है, एक और कौन सा है आप लोग बताइए। एक लास्ट में है मिजोरम है। तो कर्क रेखा पर इतने राज्य हैं। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है आपको बताना है फटाफट से। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? चलिए फाइव फटाफट से, पता नहीं क्या नोटिफिकेशन ही नहीं जा रहा है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, तमिलनाडु के पूर्व में। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पूर्व में है, जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। किसे अलग करता है? भारत और श्रीलंका को अलग करता है। और श्रीलंका हमारा पहला निकटतम पड़ोसी देश है। दूसरा निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? यह है इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, भारत और इसके पड़ोसी देशों को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत और इसके पड़ोसी देशों को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, इसका कारण क्या है? चलिए जल्दी से बताइए, भारत और इसके पड़ोसी देशों को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, इसका कारण क्या है? विकल्प कौन सा सही होगा? आप लोग फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। हम्म,
ऑप्शन सी से होता है, इस क्षेत्र का संसार के अन्य भागों से अलग थलग होना। ठीक है, तो भारत का फैलाव इतना अधिक है कि प्रायः इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है, और साथ ही साथ भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश शामिल हैं। तो जैसे भारत है, श्रीलंका है जिसमें, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार जिसे बर्मा कहते हैं, और भूटान। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर गठन सर्वप्रथम कब हुआ? भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर गठन सर्वप्रथम कब हुआ? भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर गठन सर्वप्रथम कब हुआ? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर गठन सर्वप्रथम कब हुआ? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? 1947 से 1950, 1952, 1956 है। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही हो जाता है, 1956। ऑप्शन डी हमारा सही होता है, 1956 है। भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, जिसका गठन कब हुआ था? यही है, 1956 है। तो इसीलिए इसका सही जवाब होता है 1956, 1956। क्लियर है? बहुत बढ़िया, जोश दिखना चाहिए पूरी तरीके से, एकदम से जोश दिखना चाहिए क्लास में, एकदम से जानदार क्लास होनी चाहिए, जानदार, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस क्षेत्र में देश की सबसे प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं? किस क्षेत्र में देश की सबसे प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं? हिमालय है, अरावली है, गंगा सिंधु का मैदान है, शिवालिक है। विकल्प कौन सा सही होगा? किस क्षेत्र में देश की सबसे प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं? हिमालय है, अरावली है, गंगा सिंधु का मैदान है, या फिर शिवालिक है? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी, अरावली है। देखिए, अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है, और ये किस पर्वत की कैटेगरी में आता है? ये आता है अवशिष्ट पर्वत की कैटेगरी में। किसकी कैटेगरी में आता है? ये अवशिष्ट पर्वत की कैटेगरी में आता है। और हिमालय की अगर हम बात करते हैं, तो हिमालय सबसे युवा पर्वत है, नवीन पर्वत जिसे हम कहेंगे। और शिवालिक पर्वत का निर्माण सबसे बाद में, और हिमालय की 3 श्रेणियों में सबसे दक्षिणतम श्रेणी है इसकी। ठीक है, और शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में उत्तर भारत का विस्तृत मैदान फैला हुआ है, और ये पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है, और पश्चिमी वाला भाग जो है बहुत ज्यादा चौड़ा होता है, और जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, चौड़ाई जो होती है इसकी कम होती जाती है, और इसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंध, सतलज का मैदान कहते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट आ जाता है, और ये बड़ा ही उपजाऊ और लगभग सपाट होता है, जिसे तभी हम मैदान कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, चारों विकल्प हमने यहाँ पर आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानें अधिकांशतः प्रकार की होती हैं। हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली जो चट्टानें होती अधिकांशतः प्रकार की होती, कैसे? तलछटी, आग्नेय, प्लूटोनिक, या फिर डाइक। ऑप्शन कौन सा सही होगा? हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानें अधिकांशतः प्रकार की होती हैं। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होता? तलछटी, आग्नेय, प्लूटोनिक, या फिर डाइक। विकल्प कौन सा सही होगा? चलिए भाई, फटाफट से ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए, तलछटी होती है। हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली जो चट्टानें होती हैं अधिकांशतः तलछटी प्रकार की होती हैं। जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ना, सारे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन का कलेक्शन है। ठीक है, अच्छा आपको यहां पर बताते चलते हैं। देखिए, मैंने घुमा करके यहां पर विकल्प दिया है, घुमा करके विकल्प कैसे दिया है अब आपको बताते हैं। घुमा करके विकल्प देने का क्या मतलब है? देखिए, जो तलछटी चट्टान होती, इसी को ही हम औसादी चट्टान कहते हैं। अच्छा, अवसादी चट्टान कहते हैं, उसके साथ साथ में इसे एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं परतदार चट्टान। अवसादी, अवसादी के साथ साथ हम इसे कहते हैं परतदार चट्टान। ठीक है, अवसादी चट्टानें वे होती हैं जो विखंडित पदार्थों के निक्षेपण से बनी हो, या जीव जंतुओं और पेड़ों के जमाव से बनी हो। आपको बताते हैं, यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, जीवाश्म किस प्रकार की चट्टानों में बनते हैं? तो जीवाश्म जो है केवल इन्हीं चट्टानों में बनते हैं जो औषधि होती है। ठीक है, जब जीवाश्म इसमें बनेंगे, तो इसमें खनिज तेल जो होंगे प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि खनिज तेल प्रचुर मात्रा में किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। उम्मीद है कि आपको क्लियर ये उत्तर समझ में आ गया होगा, इसका जो एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे आग्नेय की। आग्नेय, चलिए, आग्नेय वे चट्टानें होती है जो पिघली अवस्था में बड़े खनिज के जमने से बनी होती है। बड़े खनिज यानी कि मैग्मा के जमने से बनी हुई होती है। ये रव्यदार होती है, क्रिस्टल के फॉर्म में होती हैं, और इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और आपको बताते चलते, जो धरती का आंतरिक भाग होता है, जो क्रस्ट होता है ना, क्रस्ट 90% क्रस्ट का 90% भाग आग्नेय चट्टानों से बना हुआ होता है।
अब बात करेंगे यहाँ पर डाइक की, तो डाइक किसे कहते हैं? ज्वालामुखी क्रिया के दौरान यह सिल के विपरीत जब मैग्मा का जमाव लंबवत रूप में होता है ना, जो मैग्मा का जमाव, तब इसे हम डाइक कहते हैं। लंबवत रूप में जब मैग्मा का जमाव होता तब हम इसे डाइक कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पूरा यहाँ पर चारों विकल्प आपका क्लियर होता है और चारों विकल्प से खूब ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक का विस्तार किसके मध्य में है? इतने इनएक्टिव क्यों हैं? फटाफट से बताइए, जल्दी से बताइए। एक बार सभी स्टूडेंट फटाफट से वीडियो को शेयर करेंगे जिससे कि सभी तक पहुंच सके। एकदम से नोटिफिकेशन नहीं जा रहा भाई, नोटिफिकेशन नहीं जा रहा, बड़ी दिक्कत हो रही है। शिवालिक का विस्तार किसके मध्य है? शिवालिक का विस्तार किसके मध्य है आपको बताना है। शिवालिक का विस्तार बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी से हो जाता है, पोटवार, बेसिन और तिस्ता के मध्य है। शिवालिक का विस्तार किसके मध्य है? पोटवार, बेसिन और तिस्ता के मध्य है। शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है, जो कि जो पाटेवार है, ये पोटवार नहीं पाटेवार है, पाटेवार बेसिन से पूर्व में तिस्ता नदी तक फैला हुआ है ये। और क्या, सिंधु और सतलज के बीच यहाँ पर किसका विस्तार जानते हैं? सिंधु और सतलज नदी के बीच पंजाब हिमालय का विस्तार है। किसका विस्तार है? पंजाब हिमालय का विस्तार है। और सतलुज और काली नदी के बीच किसका है वाले, मतलब जो है कुमायूं हिमालय है। क्लियर हो गया, तो ये यहाँ पर आपको मैंने बता दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। भारत की सर्वोच्च चोटी K2 किस श्रेणी में स्थित है? भारत की सर्वोच्च चोटी K2 किस श्रेणी में स्थित है आपको बताना है। विकल्प कौन सा सही होगा? चलिए भाई जल्दी से बताइए, भारत की सर्वोच्च चोटी K2 किस श्रेणी में स्थित है? बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी से हो जाता है, काराकोरम। ऑप्शन सी हमारा सही होता है, काराकोरम श्रेणी, ऑप्शन सी काराकोरम श्रेणी है। भारत की सर्वोच्च चोटी K2 काराकोरम श्रेणी में स्थित है। K2 को ही हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। ये पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है। इसे एक और नाम दिया गया है, उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं, इसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। पाकिस्तान की सीमा के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा साझा है? पाकिस्तान की सीमा के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा साझा होती है? आगे जल्दी से बताइए, फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। देखिए आज आप लोगों की ना एनर्जी एकदम से बड़ी स्लो है। कल आपको लगा नोटिफिकेशन आ गया तो आपको लगा बस एकदम से उखाड़ के फेंक ही देते हैं, मतलब पूरा, तो अब वो पूरा डाउन हो चुका है। एक दिन हो गया ना तो ऐसे डाउन हो गया। अब यहाँ पर अगर हम सही से देखते हैं तो विकल्प आपका सी सही हो जाता है। पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, गुजरात है। पाकिस्तान के साथ भारत के राज्यों की सीमा लगने वाले जो राज्य हैं, इसमें पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, गुजरात है। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए। मैकाल श्रेणी कहाँ स्थित है? मैकाल श्रेणी कहाँ स्थित है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ या फिर तमिलनाडु? मैकाल श्रेणी कहाँ स्थित है? बीच बीच में आपको ना ऐसे हम सवाल देते रहेंगे, ये आप खुद करके करिए, खुद इसकी रिप्लाई करिए। बीच बीच में लास्ट का जो उत्तर सवाल जवाब होता वो तो होगा, बीच बीच में भी आपके लिए वो सवाल हम छोड़ते चलेंगे, उसे आप खोज करके चाहे जैसे भी लगाइएगा। हमने पूछा मैकाल श्रेणी कहाँ स्थित है, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी से हो जाता है, छत्तीसगढ़ है। मैकाल श्रेणी, ये जो मैकाल श्रेणी है ना, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही भाग है जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ये महादेव के पूर्व में स्थित है, जिसकी सर्वोच्च जो चोटी है कौन सी है? इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अमरकंटक है। इसकी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। चलिए भाई एक बार सभी स्टूडेंट दिल से वीडियो को लाइक करेंगे, दिल से वीडियो को लाइक करेंगे, जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? मैंने आपको टॉपिक दिया था, टॉपिक मिलने के बाद की ये कंडीशन है, टॉपिक मिलने के बाद की ये कंडीशन है आपकी, कि मतलब इस तरीके से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है?
और स्लो और स्लो रिप्लाई करिए, और एकदम इतनी स्लो हो जाएगी ना, गिर उड़ के उसी में चिपक जाएगी जमीन पे। ऑप्शन सही हो जाता है, ये सभी मूंगे की चट्टानों से बने। बड़ा अच्छा सा, बड़ी अच्छी रिप्लाई, बहुत बढ़िया। ये सभी मूंगे की चट्टानों से बने हुए हैं। अरब सागर में स्थित जो भारतीय द्वीप है लक्षद्वीप है, मूंगे की चट्टान से निर्मित है, जबकि जो अंडमान है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है, ये जानते रहिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र का अपवाह आंतरिक प्रकार का है? भारत के किस क्षेत्र का अपवाह आंतरिक प्रकार का है? भारत के किस क्षेत्र का अपवाह आंतरिक प्रकार का है? बृहद हिमालय, तमिलनाडु, छोटा नागपुर पठार, पश्चिमी राजस्थान। भारत के किस क्षेत्र का अपवाह आंतरिक प्रकार का है? बृहद हिमालय, तमिलनाडु, छोटा नागपुर पठार, पश्चिमी राजस्थान। विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही हो जाता है, पश्चिमी राजस्थान। भारत के पश्चिमी राजस्थान में लूनी नदी बहती है। आपको पता है लूनी नदी बहती है, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, और इसका जो अपवाह क्षेत्र है राजस्थान के अंदर ही है, और एक कक्ष के रण में समाप्त हो जाती है। तो इसका सही जवाब होता है किस क्षेत्र का अपवाह आंतरिक प्रकार का है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है, पश्चिमी राजस्थान है। ठीक है, नहीं हम तो गुस्साएंगे, वह बहुत तगड़ा गुस्साएंगे ना। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आगे क्वेश्चन अभी आप लोगों को यहां पर छोड़ेंगे ना, आप लोगों के भरोसे तब समझ में आएगा। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के किस भाग को मिनी कॉय समूह कहा जाता है? विकल्प कौन सा सही होगा? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के किस भाग को मिनी कॉय समूह कहा जाता है? उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी या फिर पश्चिमी? विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प यहां पर कौन सा सही होगा? आप लोग सुपर फास्ट रिप्लाई करते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के किस भाग को मिनी कॉय द्वीप समूह कहा जाता है? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी दक्षिणी है। ऑप्शन यहां पर हमारा सी सही हो जाता है, दक्षिणी है। ऑप्शन सी दक्षिणी है। तो आपको बताते चलते हैं, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है मिनी कॉय है, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। क्लियर हो गया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, तो यहां पर निम्नलिखित में से किन को हिमालय से पुराना माना जाता है? अब यहां पर कर देते हैं थोड़ा सा छोटा। अब निम्नलिखित में से किन को हिमालय से पुराना माना जाता है, तो आप किसको पुराना माना जाता है, तो आप यहां पर बताइए। विकल्प चूज करिए और देखिए, फिर फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। निम्नलिखित में से किन को हिमालय से पुराना माना जाता है? सिंधु है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज। विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहां पर हमारा कौन सा सही, ध्यान से देख करके रिप्लाई करिए, ध्यान से देख करके। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज, इसका सही जवाब है सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी जो है ये हिमालय से पुरानी है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदियों का प्रमुख लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा है हिमालय की नदियों का प्रमुख लक्षण नहीं है? आपको बताना है यहां पर विकल्प कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदियों का प्रमुख लक्षण नहीं है? इनकी अपरदन की विशाल क्षमता है, ये सदावाहिनी है, ये गौरजी का निर्माण नहीं करती, इनमें से अनेक नदियां बृहत हिमालय से निकलती हैं। विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदियों का प्रमुख लक्षण नहीं है? विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? बिल्कुल ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी, ये गार्जों का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, अच्छा आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताते चलते हैं। हिमालय की जो नदियां, इसका जो महत्वपूर्ण लक्षण होता है जानते क्या है? देखिए, ये सदा वाहिनी होती हैं, यानी कि बारहमासी पानी इसमें मौजूद रहता है, और ये जो है हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं महाखड्ड का निर्माण करती हैं, घाज का निर्माण करती हैं, ये वी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं, और ये अपरदन और निक्षेपण
काफी कार्य करती हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आप सभी की स्क्रीन पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तिस्ता किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है? तिस्ता किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है? विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या फिर गोदावरी? ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही हो जाता है, ब्रह्मपुत्र है। ऑप्शन हमारा बी सही होता है, ब्रह्मपुत्र है। तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। और यहाँ पर आपको बताते चलते हैं, सतलज है, ब्यास है, रावी है, चिनाव है और झेलम, ये सिंधु की सहायक नदी है। और अगर हम बात करते हैं यमुना, कोशी, सरयू, सोन, ये सभी गंगा की सहायक नदी है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? गोदावरी है, गंडक है, ताप्ती है, नर्मदा है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन, सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? गोदावरी, गंडक, ताप्ती, नर्मदा? ऑप्शन यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होता है, नर्मदा है। ऑप्शन डी, देखिए सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य नर्मदा नदी बहती है। ये कैसे बहती है, किधर की तरफ? पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। और आपको बताते चलते हैं, प्रायद्वीपीय नदियों में पश्चिम की ओर बहने वाली सर्वाधिक लंबी और सीधी नदी इसे माना जाता है। आपको मैंने बताया था ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है, ठीक है। और ये अमरकंटक पठार से निकलती है, अमरकंटक पठार से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना आपके एग्जाम में, तो वही हम आपको बता रहे हैं। और ये डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती, लेकिन ये कुछ तो बनाती है। कुछ क्या बनाती है? ये डेल्टा तो नहीं बनाती लेकिन एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। और इसकी अगर हम सहायक नदी की बात करते हैं तो हिरण है, शेर है, दूधी है, तेवा है, इसकी सहायक नदियां हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबलपुर के निकट जो धुआंधार जलप्रपात है इसी नदी पर बनाया गया है और इसे गुजरात की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ इस नदी पर सरदार सरोवर बांध गुजरात में बनाया गया है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने इससे रिलेटेड बताए हैं और जो कि सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, सभी पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन फटाफट से, ऐश्वर्य का निर्माण ऐश्वर्या हो गया है। चलिए अभी तो हमें दिखा, असर ने भी बताया था यही पे, जब सेम क्वेश्चन ही पूछा जाएगा तो सेम ही बताया जाएगा। हाँ वो पूनम बोल रही है ऐश्वर्या। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अभी थोड़ी देर में रिवीजन करवा देंगे ना। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, ऐसा माना जाता है कि थार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, मरुस्थल के विस्तार को रोकने का सबसे कारगर उपाय क्या होगा? ऐसा माना जा रहा है कि थार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है और मरुस्थल के विस्तार को रोकने का सबसे कारगर उपाय आप बताइए कौन सा होगा। कोई बात नहीं रघुनाथ, बहुत स्लो टीच कर रहे हो, अच्छा इससे फास्ट कहां पे होता है, एकदम मशीन थोड़ी ना है, इससे फास्ट कोई बता दे हमको। एक सेकंड कोई ना बात होती, कौन सा किसी फास्ट बोलते हैं, खाली विकल्प बता के बढ़ जाना। और क्या मैंने यहाँ पे सांस तो हम ले नहीं पाते हैं और आप कह रहे हैं स्लो हो रहा है, टीच बड़ा स्लो हो रहा है। ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए, वन रोपण। और सबकी तरह करते हैं ना, तो 10 कमेंट पढ़ते फिर उसके बाद से वो पढ़ते हैं सुपर चैट पढ़ते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाता है, वन रोपण। ऑप्शन ए सही होता है, वन रोपण। फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिए, बहुत बढ़िया। थार मरुस्थल के विस्तार को रोकने का सबसे कारगर उपाय है वन रोपण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है?
ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? हिमालय, पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट, गंगा, सिंधु का मैदान? विकल्प कौन सा हमारा सही होगा? फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। ग्रीष्मकालीन मानसून के क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? इससे फास्ट तो रोहित शर्मा रन भी नहीं बनाता है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन यहाँ पर डायलॉग है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन सी पश्चिमी घाट है, ये जग जाहिर है। ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? तो पश्चिमी घाट है इसका सही जवाब। देखिए, ये ग्रीष्मकालीन जो मानसून की अरब सागर शाखा पहले चलती है और शक्तिशाली है, और पश्चिमी घाट पार करने में उसकी शक्ति जो होती है घटती जाती है, और अधिकतर जो वर्षा होती है ये पश्चिमी घाट पर ही हो जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अगला हमारा क्वेश्चन, और पता है आपको, बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा अरब सागर शाखा की अपेक्षा कुछ देर से आती है, और पर मतलब इससे देश में अधिकतर भागों में वर्षा होती है, और इससे मेघालय के जो पठार पर सर्वाधिक वर्षा होती रहती है। तो यही होता ना मेघालय। चेरापूंजी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, ग्रीष्मकालीन मानसून से सर्वाधिक वर्षण किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? अभी तो अलग है ये, कोरोमंडल तट, उत्तर पूर्व का पहाड़ी क्षेत्र, मध्य भारत की पहाड़ियां, पश्चिमी हिमालय। विकल्प यहां पर कौन सा सही है? ग्रीष्मकालीन मानसून से सर्वाधिक वर्षण किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? ऑप्शन बी सही होता है, उत्तर पूर्व का पहाड़ी क्षेत्र जो है। ग्रीष्मकालीन मानसून से सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्व की पहाड़ी क्षेत्र में होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, और विश्व में सर्वाधिक वर्षा के प्रसिद्ध जो जो प्रसिद्ध स्थान है कहाँ पर है? मेघालय में ही है। मेघालय में किस स्थान पर, आपको बताना है कॉमेंट करके, मेघालय में कौन सा स्थान है? मासिनराम। मासिनराम चेरापूंजी से पश्चिम में स्थित है। यहां पर लगभग ना 1080 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। जैसे जो मरुस्थल वगैरह वहां पर 5 सेंटीमीटर होती है, यहां पर 1080 होती है। सोचिए कितना डिफरेंस है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा होती है, किससे होती है? अब यहां पर देखिए, हम आपसे दूसरा कुछ पूछ रहे हैं, दूसरा सवाल है, उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभों से पीछे हटते हुए मानसून से, व्यापारी पवनों से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ इसका सही जवाब। ऑप्शन ए सही होता है, पश्चिमी विक्षोभ। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन जो वर्षा है पश्चिमी विक्षोभ से होती है। पश्चिमी विक्षोभ कहां पर उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर में। कहां पर? भूमध्य सागर में ये पैदा होते हैं, और ये इधर ईरान है, इराक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश करके यहाँ पर वर्षा करते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो पीछे हटते हुए मानसून होते हैं ना, उनसे किस तट पर वर्षा होती है? पीछे हटते हुए मानसून से किस तट पर वर्षा होती है? तो इसका सही जवाब है कोरोमंडल तट। कौन सा सही जवाब है? इसका सही जवाब है कोरोमंडल तट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, चलिए भाई अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, देखते हैं जल्दी से, सुपर फास्ट रिप्लाई, सुपर फास्ट रिप्लाई। अरे प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांश द्वीप या फिर कुश द्वीप? विकल्प कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी जम्बू द्वीप। अभी बीच में आपको आप ही के लिए सवाल छोड़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे फटाफट से। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? अगले क्वेश्चन पर, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? उर्दू है, ग्रीक है, फारसी है, अरबी है? विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी ग्रीक है। ऑप्शन बी हमारा सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, अभी मैंने आपको बताया था, आपको ये बताया भी था, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है 8 डिग्री
चार मिनट, ऑप्शन सी सही होता 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन भारतीय मानक समय आधारित है। फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिए, देखिए आप हम सुपर फास्ट तरीके से चल रहे हैं, सुपर फास्ट तरीके से चल रहे हैं, तो फटाफट से रिप्लाई करते रहिए आप लोग, जिससे कि क्लास को एकदम से बढ़िया बना दिया जाए। भारतीय मानक समय आधारित है, भारतीय मानक समय आधारित है किस पर, जल्दी से रिप्लाई करिए, आप लोगों की रिप्लाई आने का वेट रहता है। भारतीय मानक समय आधारित है, ऑप्शन यहां पर हमारा सी सी हो जाता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर, ऑप्शन सी सी होता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट है भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो बहुत बढ़िया, सुपर फास्ट, एक्सीलेंट, जोरदार, जबरदस्त। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है कहां पर, दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप या भोपाल के समीप, विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा। बहुत बढ़िया भाई, ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है प्रयागराज, इलाहाबाद के समीप, ऑप्शन सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है, भारत की स्थिति और विस्तार से ये सारे क्वेश्चन धड़ाधड़। चलिए भाई फटाफट से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है, विकल्प कौन सा हमारा सही होगा, हमारे प्रयागराज में, हम सबके प्रयागराज में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर होता है, 5 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है। जब हम छोटे से थे ना, तो हमको ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा याद रहता था, पता नहीं क्या था, हमको 5 घंटा 30 मिनट बड़ा अच्छा लगने लग गया था उस समय, तब से हमको याद रहता था और हमको अभी भी याद ही है। बाय चांस।